वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे वीरां दा यूट्यूब चैनल ते स्वागत है। अज असी तुहाडे लई फ्री स्टाइल वटां वाली पग दी वीडियो लैके आए हैं जी। उम्मीद है तुहानू पसंद आएगी। जो जिहड़े वीरां ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया उह चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन जरूर दबा लो। साडी हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू मिलती रहेगी जे तुसीं बैल आइकन दबाओगे तां। सो सब तो पहला हम असी पहला लड जो कि है वो सिर तो थोड़ा जहा सिर के सेंटर जो नहीं लगा थोड़ा जहा तिरछा लगा है, जाने कि थोड़ा सज्जे पास में लेके आना है लड़न। तो लड़ में वट पा के लड़न लगा देना है। लड़ में जो असी पहले वट पाए हैं जो पूनी के दो पले होंगे एक पला चक के पूनी का जो पूनी के वट कढ़े गए हैं इस तरीके के नाल असी पहले लड़ में वट पाने हैं। उस तो बाद असी हुण जो साडा दूसरा लड़ होगा असी अज तुहाडे लई फ्री स्टाइल आ, इस करके जिहड़ा फ्री स्टाइल है इस दे विच असी जो है जो असी सज्जे पासे लड़ लगाउणा है ना असी ज़्यादा उच्चा लगाउणा है ते ना असी नीवा, जाने कि जो जो असी पटियाला छे पग बंदे हन उस तो थोड़ा जिहा नीवा लगाउणा है ते मोरनी पग दा जिहड़ा लड़ हुंदा है उस तो थोड़ा जिहा उच्चा लगाउणा है। उस उच्चा लगा के सब तो पहला जो पहला पला है उसनों उसके हल्के हल्के चूडिया चूडी के नाल असी पिंच करना है। उस तरीके असी पिंच तो नहीं करना, चूडी के नाल असी कपड़ा फट फट के पहला सब तो पहला पहला पला चकना है। उस तो बाद जो दूजा पला चकना है इस तरीके कि होंगे है कि जो लड़ में वट पैंदे हैं वो वध तो वध वट पै जाते हैं। उस तो बाद असी हल्का जिहा उपरों दबा के घुट के लड़न बिल्कुल वट पा के जो उपरों असी जिते नोक होंगी है उतों असी घुट के लड़न जो थलड़ी साइड भी बिल्कुल पूरे तरीके वट पा के लड़न लगाना है। जो इस वीडियो में पग ली गई है उसकी लेंथ जो है वो 7.5 मीटर है, कपड़ा रूबिया वैल है। हूँ असी तीसरा लड़ लगा जा रहे हैं। सब तो पहला पूनी के दो पले इकट्ठे कर लेने हैं जिस तरीके देखिया। उस तो बाद अगला लड़ लगाना है जो जी पहला लड़ लगाया सी उस तो बिल्कुल मामूली या नीवा लगाना है, ज़्यादा फर्क नहीं पाना सेम बाकी तरीका इको ही है। सब तो पहला जो पूनी का पहला पला है उसनों इकट्ठा करना है, उस तो बाद जो दूजा पला है उसनों इकट्ठा करके दोनों ने घुट के लड़न फिर लगाना है। सो वीडियो में पूरी देखा करो ताकि बेच कोई गल रह ना जाए कि जो तुम समझ ना लगे। जे तुम कोई गल नहीं पता लगता तो तुम सू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सू सोशल मीडिया से भी ऐड कर सकते हो। तुहानू साडे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साडे फेसबुक पेज में लाइक कर सकते हो, उसका लिंक भी आप जी ने डिस्क्रिप्शन में देता गया है। हुण असी तीसरा लड़ लगाउण जा रहे हैं, पिछले हल्का जिहा दबा के उस तो बाद जो पूनी दे दोनों पले आते हैं उन्होंने बराबर रख के उपरों हल्का हल्का कपड़ा अंदर नूं फोल्ड करते हुए लड़न। सब तो पहला पहले पले में वट पाने हैं, उस तो बाद दूजे पटे पले में वट पाने हैं। तरीका सारे का सेम ही है। जो फ्री स्टाइल है इसकी असी शेप ना पटियाला शेप अग वगू बनानी है तो ना असी मोरी वगू बनानी है, असी सेमी पटियाला बनानी है तो ना ये बहुती पटियाला शेप पग लगे तो ना मोरनी पग लगे। तो जो मोरनी पग है उस तो थोड़े थोड़े लड़ एक पास नीवे आ रहे हैं तो एक पास आप लड़ उपर चकने हैं। ये जेकर असी ज़्यादा लड़ चकते हैं तो वह पटियाला शेप पग बन जाती है। असी हुण थोड़े थोड़े लड़ा का फर्क पाना है कि थोड़े थोड़े सज्जे पास्यों लड़ जो है वह नीवे रखने हैं तो थोड़े थोड़े खब्बे पास्यों लड़ जो है वह असी चकी जाने हैं। इसनों असी सैमी पटियाला शाही शेप कह दें। उस तो बाद लड़न असी दबा के उपरों मोरली साइड तो घुट के लगाना है। ये फ्री स्टाइल पग है।
ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਟ ਪਏ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੂਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਗ ਦਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਲੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਲੜ ਜਾਂ ਵਾਲ ਢਿੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨੂੰ ਘਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਜ ਫੇਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੂਣੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਇਸਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲਡ ਅਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ।
जिस तरीके ने तुसीं वीडियो विच देख रहे हो ठीक उस तरीके दे नाल वट पाउणे हन। उस तो बाद जदों असीं नोक वाले हिस्से ते पहुँच गए तां उत्थों असीं उंगली ते अंगूठे की मदद दे नाल घुट के लड़ नूं इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके असीं लड़ नूं लगा देना है। जिस तरीके नाल वीडियो विच देख रहे हो ठीक उसी तरीके दे नाल लड़ नूं लगाउणा है। इस वीडियो की बहुत फरमाइश आ रही थी कि फ्री स्टाइल पग की वीडियो अपलोड करो, सो इस करके असी कोशिश की है। उम्मीद है कि साड़ी कोशिश तुहानू जरूर पसंद आई होगी। सो जिस तरीके नाल आप देख रहे हो साड़ी जो फ्री स्टाइल पग है वो बज के तैयार हो गई है। हुण असी सिर कवर करना है। सिर कवर करने लिए जो असी लड़ मूँह में रखा सी उसनू खिंच लेना है। खिंच के उस लड़ नू खिलार के खिलार लेना है। सब तो पहला असी एक पास्यों सिर ढकना है, उस तो बाद दूजे पास्यों बाज की मदद नाल जो कपड़ा है उसनू पग दे लड़ा दे विच फसा देना है। जदों साडा सारा सिर ढक हो जाए उस तो बाद जो साडा पिछला लड़ है उसनों असी पिछले लड़ भाव के जो असी लड़ मूँह में रखा जी जो साड़ा लड़ हूँ पिछे है उसनों खिंच लेना है। उस लड़ में असी खिंच के लगाना है। सो हूँ आप जी ने दिखाया जाएगा कि पिछला लड़ असी किस तरीके लगावे। हूँ असी फ्री स्टाइल पग बनी सी इसलिए असी जो सा क्योंकि साड़ी पग में ही वटा सारी पग साड़ी वटा वाली है इसलिए जो साड़ा पिछला लड़ है उसनों भी असी वट पा के लगावे। वट पा के किस तरीके लगाना है आप जी ने दिखाया जाएगा। सब तो पहला दोनों पास लड़ा में खिंच लेना है थोड़ा थोड़ा अंदर में फोल्ड करके। उस तो बाद लड़ में उंगली ते गुठे की मदद के नाल वट पाने हैं जिस तरीके आप जी ने वीडियो में दिखाया जा रहा है। उस तो बाद लड़ नूं लड़ा में लगा लेना है। तुसीं अपना कीमती समा कढ के इस वीडियो में देखिया। सो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।